एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आई थी अपने राष्ट्रीय शैक्षिक संघ की मीटिंग के लिए और ये ऑर्गेनाइज हुई है ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। और आज यहाँ पे हुआ है रंगोली कॉम्पिटिशन क्लास वाइज और बच्चों ने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई हुई है, तो वो आपको देखने को मिलेगी वीडियो में। और चलते हैं वीडियो में। और इसके विजेता घोषित कर दिए गए कि नहीं अभी भैया? इसके विजेता घोषित किए गए कि नहीं अभी? अभी नहीं, तो अभी विजेता नहीं घोषित किए गए हैं। और यह है 11th ए की रंगोली जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और हैंग द रेपिस्ट, और ये जो बंगाल का हमारा एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसको प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ पे कानून की देवी, न्याय की देवी बनाई गई हैं, भारत माँ बनाई गई हैं। और साथ ही में उनकी गोद में एक बच्ची है। और ये है हमारी लक्ष्मी माता। कानून अब अंधा नहीं है, ये लिखा हुआ है, कानून अब अंधा नहीं है। साथ में इधर लिखा हुआ है, आवाज़ उठा अब शस्त्र उठा, अब अश्रु नहीं तू आँख दिखा, पैरों में तुझको रौंदे जो उसको करके तू खाक दिखा। फिर एक और रंगोली है, ये है 6th ए के बच्चों की और इसमें माखन की मटकी दिखाई गई है और ये 2 नंबर की रंगोली है। फिर उसके बाद में ये है 7th डी की रंगोली जो कि 3रे नंबर की रंगोली है और ये दिवाली थीम पे बनी है। इसमें लिखा है लाइफ इज अ कलर और लक्ष्मी जी के पांव बने हैं, दीपक बने हैं और बीच में ये रंगोली इस तरह से बनी है, तो काफ़ी सुंदर रंगोली ये भी है। और उसके बाद में ये 4th रंगोली है, इशिका चौधरी और अर्पिता, 6th ए की रंगोली है और इसमें कलश, नारियल, लक्ष्मी जी के पांव और ये बीच में स्वास्तिक का चिन्ह, और काफ़ी अच्छी। और 4थे नंबर की रंगोली है ये, और अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, बट रंगोली बहुत ही खूबसूरत है। फिर ये 5th नंबर की रंगोली है जो कि 6th बी की है और ये मिट गया है शायद ये रास्ते में बच्चों के चलने से, और ये काफ़ी यहाँ तक थी मुझे लग रहा है बट और मिट चुकी है। इसमें हमारे गणपति जी हैं और लक्ष्मी जी के पाँव हैं और इसके दिए भी बुझ चुके हैं और बच्चों के नाम ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अनंत है, दिव्यांशु और गरिका, कुछ समझ में कम आ रहा है क्या लिखा है। फिर ये है 10th ए की रंगोली जो कि पुष्पों से बनी है और एक बड़ा सा फूल बनाया गया है। यहाँ भी कुछ बना था जो मिट गया है। इसमें बच्चे का किसी का नाम नहीं लिखा है बट बहुत ही खूबसूरत सी रंगोली है जो कि गेंदे और गुलाब के फूलों से बनी है। और गेंदे और गुलाब और इस तरह के फूलों से बनी हुई रंगोली में तैयारी में बहुत मेहनत होती है क्योंकि ये चीज़ें रेडीमेड नहीं होती हैं। पहले फूलों को एक एक करके तोड़ा जाता है, उसके बाद रंगोली बनाई जाती है। उसके बाद में एक और रंगोली है जो कि अगेन बंगाल की जो हमारी ट्रेजेडी हुई है उसके ऊपर है, तो आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे कितने सेंसिटिव हो चुके हैं, उनको ये चीज़ें फील होती हैं और अपनी रंगोलियों में और अपने तरह तरह के कार्यक्रमों में वो इनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे सेव डॉटर्स लिखा हुआ है और ये कहीं ना कहीं सिर्फ उस त्रासदी के लिए नहीं बल्कि जो भ्रूण हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या, उसको भी प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पे चाकू और काले 2 हाथ हैं जो कि अपराधियों के हैं, और ये अपराधी सिर्फ वो नहीं हैं जो अपराध कर रहे हैं, ये वो भी हैं जो अपने बच्चों का गर्भ में जांच करा के कि वो कन्या है और उसकी हत्या करते हैं। यहाँ पे अगेन ये कृष्ण, भगवान कृष्ण से रिलेटेड रंगोली है जो कि है 10E की, और ये रंगोली भी बहुत ही खूबसूरत है और
कलर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें है, और इसमें हमारी संस्कृति और हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका एक खूबसूरती देखने को मिल रही है। फिर ये यहाँ पे एक रंगोली है जो कि रुद्राक्ष 6A के बच्चे ने बनाई है, जो कि 9th रंगोली है। और ये जो है हमारी जो ट्राइबल कला है उसको प्रदर्शित कर रही है। इसमें तरह तरह की आकृतियों को जोड़कर इसको बनाया गया है, और यहाँ प्रीत और आयुष दो नाम और लिखे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रंगोली है। रंगोली है जय महाकाली, 10th D के बच्चों ने बनाई है, और ये माँ काली के फेस की रंगोली है, और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छी सिमेट्री, आँखें बहुत ही खूबसूरत, एकदम जीवंत कर देने वाली, जीवन देने वाली रंगोली है, जिसमें साक्षात देवी हमारी ऐसे लग रहा है कि इस रंगोली में से निकल के बाहर आ जाएंगी। तो बहुत ही खूबसूरत है, इसमें बच्चों ने अपना नाम मेंशन नहीं किए हुए हैं। फिर एक ये रंगोली है जिसमें हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल, उसको दिखाया गया है, और लक्ष्मी माँ के चरण, साथ में स्वास्तिक का चिन्ह। और इस रंगोली का क्रमांक नहीं पड़ा है, लेकिन उस हिसाब से अगर वो 9th है, 10th है, 11th, और ये 12th रंगोली है। नहीं, ये क्रमांक ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये 12th रंगोली है, और इसमें बच्चों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। इसके बाद में ये 13th रंगोली है, हैप्पी दिवाली, और ये भी हमारे राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मोर की है। ये रंगोली है 16th रंगोली, जो कि इधर से सीधी है, और इसमें भी मयूर का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि मयूर को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल जगह मिली हुई है रंगोलियों में। और जो हमारी बंगाल की त्रासदी हुई है, बंगाल की जो हमारी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा गया। 7D के बच्चों ने बनाई है, और ये है 20th रंगोली, पूर्वी नाम लिखा हुआ है, और ये है 18th रंगोली, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास बच्चों ने किया है। और ये है 19th रंगोली, वो 16th थी, 17th, ये 18th, और ये 19th रंगोली है, और ये भी अगेन मयूर को ही जगह दी गई है इसमें भी। तो रंगोली बहुत ही खूबसूरत है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।